मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के 11,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ रोके। इसमें कर्मचारी पेंशनरों के 9,000 करोड़ का एरियर और 1,000 करोड़ का डीए शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 4,430 कर्मचारियों और 5,226 पेंशनरों के एरियर को रोका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कर्मचारी पेंशनरों का बकाया एरियर भुगतान करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। हालांकि संसाधन जुटने पर इसका भुगतान 6 माह या 1 साल के भीतर भी हो सकता है। हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा ना की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटीज, हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए, हम वचनबद्ध है अपने प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू होनी है। एक तो लागू आज होगी, बाकी की 2, ओल्ड पेंशन आज लागू होगी, बाकी की 2 1 महीने के बाद भी लागू होनी है। ये हमारी सरकार की वचनबद्धता है, ये हमारे सरकार की कार्य करने की प्रणाली है। हम चाहते हैं कि तीव्र गति में फैसले हो और जो चीज करने की है उसको किया जाए। मैं अपने सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत करके कहाँ से क्या योजना लानी और कहाँ से रिसोर्स पैदा करने हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और हिमाचल की जनता को हम इस लोहड़ी के पर्व अवसर पर यह कहना चाहते हैं कि हम ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य हिमाचल की जनता का सेवा करना है। इस दृष्टिकोण से हमने बार बार कहा है, हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आपने मेरी बात सुनी। आप देखिए, चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति तो नहीं करते ना। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपये डीजल के बैट से कटाए और हिमाचल प्रदेश में डीजल जो है सस्ता हो गया। आज भी उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में से सस्ता हिमाचल में डीजल उपलब्ध है, सस्ता। आज भी हमने 3 रुपये, 7 रुपये में से 3 रुपये बढ़ाए, वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।